जालंधर के श्री देवी तालाब मंदिर लंगर खाने गए दो बच्चों को पुलिस ने अंबाला से बरामद किया। आज पुलिस ने इन बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले किया। पुलिस के अनुसार 12 साल का राजकुमार और 10 साल का रमेश कुमार बासी विकासपुर और संतोषपुरा दोनों घर से श्री देवी तालाब मंदिर लंगर खाने के लिए निकले थे। बस स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में चढ़ गए, जिसके बाद अंबाला में जब जीआरपी का ध्यान इन पर पड़ा, जब इसने इनके घर के बारे में पूछा तो उन्होंने जालंधर बताया, जिसके बाद जालंधर पुलिस से संपर्क किया गया और जालंधर पुलिस ने इन्हें वहां से लाकर माँ बाप के हवाले किया। जालंधर से परमजीत के साथ बिक्की कंबोज। कल दो बच्चे सानू जानी कि अंबाले तो लियाने पे, कल एक घर तो दौड़ गए थे, 12 बजे के करीब दौड़े ने यह घर तो, कल सानू अंबाले तो साड़ी गार्ड के नाल जानी कि रबता इन्हों का कायम होया। जो सानू पता लग्या तो इन्हों का एड्रैस तो पता किया, काश कुमार सन ऑफ हरिचंद कही केयर ऑफ कही जी महला विकासपुरी है नियर देवी तालाब मंदिर के जलंधर। ये 12 साल का लड़का है। दूसरा हैगा रमेश कुमार सन ऑफ शाने बहादुर आर ओ हाउस नंबर 14 केयर ऑफ अरोड़ा राकेश अरोड़ा महला संतोखपुरा जलंधर। ये सानू मिले है जिन्होंने इन्होंने अज इन्हों के बाप जो भी इन्हों के वारस आए ने उन्होंने हवाले किया गया इन्हों कि घर तो दौड़े सके। ये एक तो बच्चा छोटा है जिहड़ा है 10 साल का, यह कह रहा मैनू खाना खाने लाने वास्ते आंदा देवी तालाब मंदिर चलीए, तो इतों स्टेशन पर आ गया बड़ा नाल लैके, इनू ट्रेन पर चढ़ के अंबाले तो जाके लैके आए। हूँ अज इन्हों वारसा के हवाले किया गया।